ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय है, ऐसा उन्होंने बताया। उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कथन करने की दो पद्धति है, ऐसा कह करके निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या कहते हैं, ये कहने के बाद व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को क्या कहते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने प्रारंभ की। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा उन्होंने की, तो सात तत्वों के श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार से सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो सात तत्वों में जीव, वजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जराव, मोक्ष, जिसमें जीव तत्व के तीन प्रकार के भेद करके उसके भी जो प्रभेद हैं उनका वर्णन किया, और अजीव के भी जो पाँच भेद हैं, जीव के अलावा जो अन्य पाँच द्रव्य हैं वो अजीव हैं, उन पांचों द्रव्यों का स्वरूप बताया। तो जीव और अजीव तत्व दोनों की चर्चा हुई। और तीसरा जो तत्व है वो आश्रव तत्व है। आश्रव माने कर्मों का आना, आश्रव माने आना, कि किसका आना, कर्मों का आना। तो कर्म क्यों आते हैं, जैसे कल एक उदाहरण से हमने समझा था कि कोई अपराध करता है तो अपराध की वजह से वो पुलिस आती है उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस का वहाँ से आना ये आश्रव हुआ, आ करके इसको गिरफ्तार करना ये बंद हुआ। और नाव के उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा कि छेद का होना वो आश्रव है और छेद में से पानी आना वो बंद है, ठीक है। ये दो अंतर इनमें है, मतलब ये अंतर इसमें है, ये इसको समझना है। तो इन्होंने जो कहा कि दो चीज़ें गिनाई हैं, मन, वचन और काय, और मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद, ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद के माध्यम से जब मन, वचन, काय में चंचलता होती है तब कर्म आते हैं। कर्म ऐसे तो आते नहीं हैं, तीन लोक में पूरे परमाणु, पुद्गल के परमाणु फैले हुए हैं, वो आके बंधते क्यों हैं, ठीक है। समय सार में एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई व्यक्ति तेल से मालिश करके, पूरे शरीर में तेल से मालिश करके बैठा हुआ है, ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे धूल बहुत उड़ती हो, तो वो धूल अपने आप आकर के चिपकते हैं, तो वो तो बंधाधिकार में उन्होंने उदाहरण दिया, वो जो उसका चिकनापन है वो बंध का कारण है। वैसे ही आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं वो बंध के कारण हैं। अब आश्रव का कारण कौन, बात समझ में आ रही कि नहीं, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जीव के जो विकारी परिणाम हैं, विकार परिणाम होने रूप जो योग्यता है वो आश्रव का कारण है, ठीक है। आपकी जो पढ़ने की योग्यता है, आपकी जो स्वयंक्षम की योग्यता है, वो एक योग्यता अलग हो गई, फिर आपको छड़ाला कितनी याद है ये एक बात अलग हो, बात समझ में आ रही कि नहीं। आपकी योग्यता कितनी है वो एक अलग बात, आप कितना क्या कर सकते हैं आपकी योग्यता का होना अलग बात, और कितना कर रहे हैं ये एक अलग बात, ठीक है। तो वो योग्यता का होना समझ लीजिए वो आश्रव, और आप कितना बंद कर रहे हैं वो बंद, ठीक है। तो मिथ्यात्व का होना, ठीक है, चार चीज़ें जो उन्होंने गिनाई इस पर ध्यान देना। मिथ्यात्व जैसे रात का प्रवचन जो चल रहा है कि अभिप्राय में मैं परिद्रव्यों को कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय का होना उसका नाम मिथ्यात्व है, ठीक है। अब वो मिथ्यात्व प्रति समय घटता बढ़ता है कि एक सा ही रहता है, है? एक सा ही रहता है। श्रद्धा जो है, श्रद्धान है, वो श्रद्धान एक जैसा ही रहता है, मिथ्यात्व घटता बढ़ता नहीं है, कषाय बढ़ती बढ़ती है, क्रोध मान आदि जो कषाय है, राग द्वेष आदि हैं, ये घटते बढ़ते हैं, पर विपरीत जो मान्यता वो एक सी रहती है, कि साहब थोड़ा अच्छा मानते थोड़ा बुरा मानते, ऐसा नहीं होता, या तो वो अच्छा ही मानता है या तो उसे बुरा ही मानता है। श्रद्धा की जो अवस्था है वो दो ही रूप होती है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है, या तो संसार रूप होती है या तो मोक्ष रूप होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। मैं परिद्रव्यों को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये दो ही रूप अवस्था श्रद्धा की होती है, ठीक है, तीसरी अवस्था नहीं होती है। कम ज़्यादा की अवस्था चारित्र मोनी में है, दर्शन मोनी में कम ज़्यादा की अवस्था नहीं है,
या तो इस तरफ श्रद्धा या तो इस तरफ, दोनों में से एक ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि मिथ्यात्व को उन्होंने कारण बताया, तो परद्रव्यों को कर सकता हूँ जैसी जो मान्यता है वो आश्रव का कारण है, ठीक है। उसके माध्यम से जो मन वचन काय में चंचलता होती है उससे कर्म आते हैं, ये मिथ्यात्व हो गया। और दूसरा क्या बताया, दूसरा क्या बताया, हाँ अच्छे अच्छे एकदम सावधान होकर बैठो। क्या चर्चा चल रही ख्याल में है सबको, हाँ? क्या चल रही है, हाँ? आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। द्रव्याश्रम में तो हमने ये कह दिया है कि कर्मों का आना, और भावाश्रम में क्या लेना है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो मिथ्यात्व को समझा, उसके बाद अविरत, अविरत माने व्रतादि धारण नहीं करने, उसको अविरत बोलते। व्रतादि धारण नहीं करने का जो परिणाम होता है, ठीक है, स्वच्छंद होते हैं, व्रतादि धारण नहीं करते हैं, उसको अविरति कहते, ठीक है। तो व्रत धारण नहीं करना अविरत, तो व्रत धारण नहीं करना वो भी कर्मों के आश्रव का कारण है। इस समय हम व्रत धारण नहीं कर रहे हैं तो कर्मों का आश्रव निरंतर हो रहा है, कर्म आके निरंतर बंधेंगे, वो तो बंध में चला जाएगा, कर्म आ रहे हैं ये आश्रव में आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो व्रतों को नहीं धारण नहीं करना ये भी अपराध है, ठीक है। तो पहला अपराध क्या था, मिथ्यात्व, दूसरा अपराध क्या है, अविरत, और तीसरा कषाय, ठीक है। अब कषाय में क्या है, कषाय किसे कहते हैं, ठीक है, और कषाय कितने हैं, ठीक है। अब वो जो क्रोध मान माया लोभ है, राग द्वेष आदि हैं, वो तो वास्तव में बंध में कारण हैं, तो फिर यहाँ कषाय क्यों गिनाया। अरे तो वो कषाय होने रूप जो परिणति है, मैं क्रोध कर सकता हूँ, इससे भी मिथ्यात्व से ही जोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व सहित कषाय, कषाय की विद्यमानता, अनंतानुबंधी कषाय की विद्यमानता, कषाय के करने रूप जो सामर्थ्य अंदर पड़ा है वो आश्रव का कारण है, और जब कषाय करता है वो बंध का कारण। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मतलब क्रोध आदि का अपने आप को कर्ता मानना कि मैं क्रोध आदि कषायों को कर सकता हूँ, ऐसे अपने आप को कर्ता मानना, और क्रोध आदि कषायों की विद्यमानता, जैसे कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय की जो चौकड़ी है उसकी विद्यमानता, वो आश्रव का कारण है, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात, है। और जब उसके माध्यम से राग द्वेष करेगा, क्रोध मान माया, अब जिस समय क्रोध कर रहा उस समय मान तो नहीं कर रहा, है, और जिस समय मान कर रहा उस समय लोभ नहीं कर रहा, तो एक समय में एक ही कषाय हो रही है, उस समय बाकी जो तीन कषाय वो विद्यमान है कि नहीं है, है ना। सत्ता रूप में तो विद्यमान है, मान्यता रूप में तो विद्यमान है, तो मान्यता रूप में योग्यता रूप में जो विद्यमान है तो वो आश्रव का कारण है। प्रति समय आप क्रोध करते हो क्या, प्रति समय थोड़ी क्रोध करते हो, एक एक समय थोड़ी क्रोध करते हो, ठीक है, पर वो क्रोध करने रूप योग्यता जो आपके अंदर विद्यमान है ना, कषाय करने रूप जो योग्यता आपके अंदर विद्यमान है, मैं कषाय कर सकता हूँ, कषाय अच्छी हैं, ऐसे जो मन में विद्यमान वो जो योग्यता है वो आश्रव का कारण, ठीक है। जैसे मिथ्यात्व में हमने समझा वैसे ही कषाय में समझना है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, है, देखो कठिन तो नहीं पड़ रही, चलो। अब अगला है प्रमाद, प्रमाद माने क्या, कि प्रमाद के लिए सर्वासिद्धि में ऐसा कहा, कुशलेषु अनादारः प्रमादः, कि क्या, कि अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना प्रमाद है, ठीक है। अब ये कक्षा चल रही है, अच्छा हो रहा है कि अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है, बताओ, है? और व्रत उपवास आदि धारण करना, जिनवानी सुनना, मंदिर जाना, ये जब शुभ कार्य हैं जितने भी, वो शुभ कार्यों में उत्साह का नहीं होना उसका नाम क्या है, प्रमाद है। हिंसा में भी प्रमाद परिणति को मूल बताया, हिंसा भी कब होती है, कि मन में अगर सावधानी है तो बाह्य में जीव मरते हैं तुम्हारे माध्यम से तो भी हिंसा का फल तुम्हें नहीं मिल लगेगा। क्या कहा, कि मन में अगर सावधानी पूर्वक तुम काम कर रहे हो कि कोई जीव मेरे माध्यम से नहीं मर जाए, ऐसी सावधानी पूर्वक दया पूर्वक तुम
कोई भी काम कर रहे हो फिर भी कोई जीव जबरन आकर के तुम्हारे हाथों से, वो कोई जीव मर गया समझो, तो वो हिंसा का फल तुम्हें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो सावधानी से काम कर रहे थे, तुम्हारा मारने का अभिप्राय नहीं था, ठीक है। पर कोई व्यक्ति बिना सावधानी के ही कोई भी काम कर रहा है, यत्नाचार शब्द दिया शास्त्रों में, बिना यत्नाचार के काम कर रहा है और जीव नहीं मर रहे हैं तो भी हिंसा का फल उसे लग रहा, क्योंकि उसके अभिप्राय में यत्नाचारपना नहीं है, दयापना नहीं है, जीवों को सुरक्षित करने का भाव उसमें, जीवों को बचाने का भाव उसे नहीं है, इस दृष्टि से उसे बंद हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वैसे यहाँ इधर ध्यान दो बेटा, विषय समझ में आ रहा है ना आपको? इधर देखो, अच्छे से बैठो आप, एक तो एकदम है ना, उस नहीं आ रहा हो कुछ समझ में, नहीं आ रहा हो उदाहरण समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, ठीक है, दोबारा समझाऊँ। पर ऐसे मतलब ये मुद्रा देख के लग नहीं रहा कोई समझ रहा हो विशेष रूप से, और कोई बहुत ज़्यादा कठिन विषय नहीं है ये, ठीक है, बहुत सरल विषय है, पूर्व में बाल बोध आदि पुस्तकों में पढ़ के आए हैं, और उसकी थोड़ी गहराई है यहाँ पे, उन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रमाद माने क्या? उत्साह का नहीं होना सो प्रमाद, ठीक है। तो उत्साह का नहीं होना भी कर्मबंध का कारण है, ठीक है। कक्षा में बैठे हो और उत्साह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वो भी कर्मबंध का कारण है, अशुभ कर्म कर्मबंध का कारण है, ठीक है। और कहीं कहीं प्रसन्नता को पुण्यबंध का कारण बताया है, ठीक है। निदान की जो चर्चा आती है उसमें प्रसन्न रहना ये पुण्यबंध का कारण बताया, ठीक है। जिनवानी सुनकर के प्रसन्न रहना तो निश्चित तौर पर पुण्यबंध का कारण है ही, और वैसे भी प्रसन्न रहना है? तो दादा कहते हैं सहज रहो सहज रहो, तो वो सहज रहना प्रसन्न रहना ये भी पुण्यबंध का कारण है, ठीक है। तो इसलिए वो प्रमाद रहित अवस्था है, तो प्रमाद को यहाँ आश्रव का कारण कहा, तो ये मिथ्यात्व अविरति कषाय, ठीक है, इन सहित जो उपयोग है, मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद सहित जो उपयोग है, उपयोग माने कल बताया था ना आपको, हाँ बोलो, क्या बताया था कल मैंने उपयोग का अर्थ, सबसे पीछे अनुराग बोलो, हाँ नहीं आए तो पूछना चाहिए ना किसी से, बोलो इधर, यहाँ कुर्ता पजामा में बैठे ना इधर सबसे पीछे, हाँ उसके पीछे, हाँ बोलो, नहीं है ख्याल में, ऐसा कैसे चलेगा भाई, ये ऊपर बैठे क्या किसी कारण विशेष से बैठे हो कि ऐसे ही बैठे हो, कुछ तकलीफ इसलिए ऊपर बैठे हो कि ऐसे ही बैठे हो सब लोग, चलो कौन से विद्यालय गए, एक ही विद्यालय को अलग अलग, एक ही विद्यालय के हो कि अलग अलग, बाकी अच्छा कोई तकलीफ है ऊपर क्यों बैठते हो, चलो बोलो, उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन, और बोलो ज्ञान दर्शन के व्यापार को, व्यापार का अर्थ क्या बताया था मैंने, बोलो प्रवृत्ति, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं, तो ज्ञान दर्शन के प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं, तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, मिथ्या अविरति और कषाय प्रमाद सहित उपयोग है ऐसा कह रहे हैं, तो ज्ञान दर्शन में इनका प्रवेश कहाँ से हो गया, तो कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ जो राग जानने में आया, ज्ञान के साथ जो मिथ्यात्व तो जानने में आया, ज्ञान के साथ जो कषाय जानने में आया, ज्ञान के साथ जो प्रमाद जानने में आया, हमने ज्ञान को तो छोड़ दिया, वो प्रमाद को अपना मान लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, दर्पण में जैसे हम चेहरा देखते हैं तो दर्पण को देखते हैं कि दर्पण के माध्यम से अपना चेहरा देखते हैं, है? दर्पण देखते हैं तो कहते हैं कि दर्पण बहुत सुंदर है, ऐसा कहते हैं कि चेहरा बहुत सुंदर है ये कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण के माध्यम से हमको देखते हैं ना, वैसे ये ज्ञान दर्पण है, तो ज्ञान में पर गए झलकते हैं, दूसरे जो पदार्थ वो झलकते हैं, तो ज्ञान में झलकने वाले पदार्थों को, वो पदार्थ को तो हम देख लेते हैं पर ज्ञान को नहीं देख पाते, ज्ञान स्वभाव को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ही कषाय आदि जो है वो ज्ञान में जानने में आते हैं, ये शरीर भी ज्ञान के माध्यम से जानने में आया है, तो वो ज्ञान स्वभाव को नहीं देखते, शरीर को देख ले,
और शरीर को अपना मान लेते। तो ये चार प्रकार के जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद है, ये भी ज्ञान में जानने में आते हैं, पर इनमें अपनापन हम करते हैं, ये मेरे हैं, ऐसे जो परिणाम है ये वास्तव में आश्रव का कारण है। समझ में आ गया आपको? कल किसी ने प्रश्न किया था ना, एक बार और समझा दो चारों को। ठीक है, आ गया समझ में आपको? अब चलो अब आगे बढ़ें। अब आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संवर निर्जरा, तीनों को एक एक लाइन में स्वभाव बतला रहे, बोलिए। देखो नाव के उदाहरण से मैं सात तत्वों कल समझा हमने, वो तो ख्याल में है ना सबको, पहले भी आपने उदाहरण सुना होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है अगले पेज में, 54 नंबर पेज में लिखा हुआ है, एक बार कल समझ में नहीं आया हो तो आज पढ़ लेना एक बार ध्यान से इसको। ठीक है, चलो इधर ध्यान देना। अब यही आत्म को दुख कारण, यही आत्मा को दुख का कारण है, कौन? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद, यही आत्मा को दुख का कारण है, दुख उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे आपने कषाय की परिभाषा मैंने पूछी, जब आपने कहा जो आत्मा को दुख दें, कषें, उसको क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यही आत्म को दुख कारण, कि मिथ्यात्व भी आत्मा का दुख का कारण है। सबसे बड़ा पाप किसे कहा है? मिथ्यात्व को कहा है। ठीक है, बाल बोध में आपने पढ़ा है, तो यही आत्मा को दुख का कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमोद। प्रमोद की प्रमाद, और प्रमोद पाप का कारण है कि है, पाप का कारण है कि पुण्य का है? प्रमोद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने उसको है? तो पुण्य बंध का कारण है। एक क्या वो एक मात्रा बदल दो तो वो पुण्य से पाप में हो जाएगा। ठीक, प्रमाद है वो पाप का कारण है, और प्रमोद है वो पुण्य का कारण है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, दुख पहुंचाते हैं स्वभाव से, तो आत्मा सुखी है, सुख स्वभाव वाला है, पर पर्याय में अभी दुखी है, स्वभाव के अनुकूल पर्याय अभी नहीं है। ठीक है, तो वो स्वभाव में तो सुख, उसका सुख स्वभाव है, पर्याय में दुखी क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण हो रहा है, कषाय के कारण हो रहा है, अविरति के कारण हो रहा है, और प्रमाद के कारण हो रहा है। ठीक है, यही प्रश्न था ना तुम्हारा? चलो ठीक है, यही, हाँ बोलो फटाफट। देखो कषाय में मैं ये कह रहा था आपको, कषाय का तो एक, जो 25 कषायों के नाम तो आप जानते हैं ना? ठीक है, तो 25 कषाय में से एक कषाय एक समय में होगी, वो तो बंध का कारण है। ठीक है, एक कषाय एक समय में होगी, वो बंध का कारण है। 25 कषायों की जो सत्ता विद्यमान है कि मैं क्रोध कर सकता हूँ, क्रोध के माध्यम से कार्य हो सकता है, मैं मान करने वाला हूँ, मान के माध्यम से कार्य हो सकता है, इस प्रकार मान के प्रति जो अपनापन है, क्रोध के प्रति जो अपनापन है, वो आश्रव का कारण है। मिथ्यात्व सहित जो कषाय की विद्यमानता है, कषाय चौकड़ी की जो विद्यमानता है, वो आश्रव का कारण है। और जिस समय जो राग होगा, जिस समय जो द्वेष होगा, जिस समय जो क्रोध होगा, उस समय वो बंध का कारण है, और प्रति समय आश्रव का कारण है कौन है? उनकी विद्यमानता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, ये आत्मा को दुख देने वाले हैं, इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद को तजिए, तजिए माने त्याग करो, इनको छोड़ो। ठीक है, चलो आगे। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कबहु न सजिए, कि जीव का प्रदेश बंधे, कि बंधे किससे बंधे? विधि सो, विधि माने कर्म, कर्म के साथ जीव का बंध होता है, या तो यूं कहो कि जीव के साथ कर्म का बंध होता है, जीव का कर्म के साथ बंध होता है। ठीक है, बात तो एक ही है,
तो जीव प्रदेश बंधे विधि सो, विधि माने कर्म के साथ जो बंध जाता है, आश्रमों में कर्मों का आना हमने कहा, आकर के बंध जाते हैं, सो बंधन उसको क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, उसको बंध तत्व कहते हैं, ठीक है। और भाव बंध में हमने देखा था जिस समय जो कषाय परिणाम कर रहा है वो भाव बंध का कारण है। तो बंधन कबहुन सजिए और उसको बंधन कहते हैं, ऐसे बंध को कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बंद करने से क्या होता है, क्या नुकसान है, हाथ ऊपर करो, या बंद करने के लिए निषेध क्यों कर रहे हैं, बंद करने को मना क्यों कर रहे हैं, सही उत्तर होना चाहिए प्रकरण के अनुसार, ऐसा नहीं अपने मन से तुम कुछ भी बोल दो। ये एक उत्तर तो ये भी हो सकता है कि साहब यहाँ मना किया इसलिए नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही उत्तर है, तो ऐसा उत्तर नहीं चाहिए मुझे। बोलो क्या नाम तुम्हारा। हाँ, जब तक कर्म के प्रदेश अपन से बंधे रहेंगे तब तक निराकुल सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और हमारा जो उद्देश्य पहले छंद बताया था निराकुल सुख का सुख प्राप्त करना, वो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही उत्तर मैं चाहता था, ठीक है। तो जब तक कर्मों से हम बंधे रहेंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति हमें नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जो हमारा उद्देश्य है क्या, आत्म को हित है सुख, सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो। इसलिए कि वो जैसे कल पहले प्रवचन में आया था कि हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तक पहुंचने में बीच में आड़े में कौन आ रहा है, ये बंद आ रहा है, ये कर्म आ रहा है, ठीक है, ये कर्म आ रहे हैं बीच में, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये कर्म को बांधा किसने, मैंने, ठीक है। इसलिए अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो इनको बांधना रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इनको न कबो न सजिए, माने कभी भी आप इनका सेवन मत कीजिए, कभी भी ये बंद मत कीजिए, ठीक है। शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, ठीक है। ये आश्रव बंद के बाद, अब ये तो आश्रव में कर्मों का आना, बंद में कर्मों का बंधना, अब साहब ये बंद को दूर कैसे करें, ये बंद को रोके कैसे, आश्रव को रोके कैसे, ठीक है। तो आश्रव को रोकने का उपाय बतला रहे, शम दम ते जो कर्म न आवे, शम और दम से कर्म नहीं आते हैं, और कर्मों का आना क्या कहते हैं, आश्रव। तो शम दम ते जो कर्म न आवे सो उसको क्या कहते हैं, आश्रव का विरोधी कौन है, संवर, ठीक है। तो आश्रव का विरोधी संवर है, कर्मों का आना अगर रोकना है, वो पुलिस वाले आपको आ रहे बांधने के लिए तो क्या करना है आपको, वो पुलिस वाले नहीं आए ऐसा आप चाहते हो तो क्या करना है, अपराध मत करो, अपराध करोगे तो वे आएंगे, तो वे नहीं आए ऐसा चाहते हो तो क्या करना है, अपराध नहीं करो। तो शम दम, शम माने शांत भाव, कषायों से बचने का नाम शम है, ठीक है, क्रोध आदि कषायों से बचने का नाम शम, शांत भाव धारण करना। और दम माने इंद्रिय विषय, इंद्रिय के जो भोग हैं, भोग आदि से बचने का नाम दम, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं मिथ्यात्व और कषाय से बचने का नाम शम है, और दूसरा जो दम है इसमें कौन से दो आएंगे, हैं, देखो मिथ्यात्व और कषाय से बचने का नाम अगर शम है तो दम में क्या क्या लेंगे, अरे हाथ ऊपर करो, मिथ्यात्व और कषाय से बचने का नाम अगर शम है तो दम में क्या क्या लेंगे, बोलो सबसे पीछे, हैं, अरे वो तो अर्थ में लिखा है, मैं जो पूछ रहा हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग, हाँ बोलो, हाँ बैठो और बोलो, हाँ ये तो मैं मतलब ये एकदम सिंपल बात है, सरल बात है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, अरे चार जो आश्रव के कारण उन्होंने बताए थे ना, कौन कौन से, बोलो खड़े होके, हाँ पीछे पीछे,
प्रमाद। और शम दम शब्द में शम में अगर मिथ्यात्व और कषाय को ले लिया, बाकी कौन से दो बचे? अविरत और प्रमाद बचे है ना, तो दम में कौन सा आएंगे? अविरत और प्रमाद। अविरति और प्रमाद से बचना, उसका नाम दम। ठीक है, तो इस प्रकार मिथ्यात्व और कषाय से बचने के लिए शांत भाव धारण किया जाता है। ठीक है, और अविरति और प्रमाद से बचने के लिए क्या किया जाता है? इंद्रिय और मन को जीता जाता है। ठीक है, इंद्रिय और मन को जीतने का नाम दम है। ठीक है, तो जब इंद्रिय और मन को जीत जाएंगे तो व्रतादि का पालन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मतलब भोजन के प्रति जब तक आसक्ति है तब तक उपवास नहीं हो सकता। तो इंद्रिय मन को हमने जीत लिया तो उपवास आराम से हो जाएगा, व्रतादि आराम से पल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? और प्रमाद नहीं होगा किसी प्रकार का। ठीक है, अगर सोने का अगर किसी को मन कर रहा है तो कक्षा में जाना है कि सोना है। ठीक है, तो इंद्रिय मन जीतने से कक्षा में आ जाएगा। कैसे? वो इंद्रिय का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय है। ठीक है, वो आनंद से सोते रहना चाहते हैं, वो प्रमाद रूप रहना चाहते हैं। उत्साह से रहित होने का नाम प्रमाद, ऐसा हमने देखा था ना। तो प्रमाद उत्पन्न क्यों होता है? तो इंद्रिय विषयों की वजह से होता है, इंद्रिय और मन को कंट्रोल नहीं करने से होता है। तो इसलिए सम दम का मतलब है कि वो उनको जीतना। ठीक है, तो इनको जीतने से कर्म नहीं आवे है, इनको अगर हम जीत लें तो कर्म नहीं आएंगे। सो संवर आदरिए, ऐसे संवर का आदर करना चाहिए, आदर करना के चाहिए माने ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। तप बलते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिए। तप बलते, तप के बल से, 12 प्रकार के जो तप हैं उन तपों के बल से विधि झरन, विधि माने क्या बताया था अभी? कर्म, कर्मों का झरना निर्जरा। ठीक है, कर्मों के झरने का नाम निर्जरा। तो इसको नाव वाले उदाहरण में लगाएंगे तो ये कौन सा पार्ट आएगा इसमें, कौन बताएगा? कर्म झरन, विधि झरन निर्जरा। तो इसको वो जो नाव वाला उदाहरण हमने कल दिया उसके अनुसार इस विधि को लगाएंगे तो वो उदाहरण में कौन सा पार्ट आएगा बोलो? पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकालना। हाँ, नाव में जो पानी भर गया था उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना, वो निर्जरा है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे अनादिकाल से जो कर्म बनते हुए आ रहे हैं उन कर्मों को, सत्ता में जो पड़े हुए कर्म हैं, नए कर्म तो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि संवर हो गया। ठीक है, संवर होने के बाद शम दम के आश्रय से हमने नए कर्मों को आने को तो रोक दिया, अब पुराने कर्म जो पड़े हैं उनका क्या करें? तो उनको निर्जरा के माध्यम से निकालना प्रारंभ किया। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? तप के बल से निकलेंगे। ठीक है, तप के माध्यम से जब आत्मा में लीनता अधिक बढ़ती है तब पुराने कर्मों का भी अभाव होना धीरे धीरे प्रारंभ होता है। ताही सदा आचरिए, उसी को सदा आचरण कीजिए। ठीक है, उसी को प्राप्त कीजिए, निर्जरा को ही प्राप्त कीजिए। तो 7 तत्वों में समझ लीजिए, आश्रव और बंद है इनसे तो बचना है, और संवर और निर्जरा को तो ग्रहण करना है। ठीक है, बोलिए छंद। ये सब भावार्थ एक बार पढ़ लेना आप भी, है ना? इतना समय अपने पास रहता नहीं है, इसलिए केवल छंद छंद का अर्थ करता हूँ। ठीक है, कक्षा के बाद जो समय मिले सबका भावार्थ भी पढ़ते जाना। ठीक है, और कोई विशेष बात आए तो नोट करते जाना उसके माध्यम से। देखो अब कौन सा तत्व रह गया? व्यवहार सम्यक्तों में मोक्ष तत्व बस रह गया। मोक्ष का तो सीधा सा अर्थ है क्या है? जहाँ समस्त कर्मों का अभाव हो जाए वो मोक्ष तत्व है। ठीक है,
तो निर्जरा के माध्यम से धीरे धीरे वो जो प्रक्रिया शुरू हुई उसकी पूर्णता जहाँ हो जाए वो है मोक्ष हो गया। बोलिए छंद। देखिए सकल कर्मते रहित अवस्था, सकल माने सभी, सकल वो देखा था ना हमने सकल चारित्र, कहाँ देखा था? अच्छा दोपहर में उनकी क्लास चल रही है उसमें आया था। सकल कर्मते रहित अवस्था, समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था है जहाँ केवल आत्मा अकेला ही है। आत्मा तो अभी भी अकेला है, अनादिकाल से अकेला है कि स्वभाव से तो अकेला है, पर शरीर का संग अनादिकाल से है और शरीर का संग छूट जाए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, सकल परमात्मा का स्वरूप हमने देखा था ना, तो सकल परमात्मा का स्वरूप ही एक तरह से मोक्ष तत्व समझ, ठीक है। तो सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है सो शिव तिर सुखकारी, ऐसा जो शिव है वह मोक्ष है, मोक्ष तत्व है। उसकी विशेषता क्या है? तिर सदा रहने वाली अवस्था है। एक बार जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया वापस आने का कोई काम नहीं है, सदा स्थिर रहें। और कैसे रहें कि साहब एक बार आपने बंद कर दिया फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो दुखी हो जाएंगे हम तो। अरे दुखी नहीं होंगे, सुखकारी, सुखकारी अवस्था है, सुखी होने का काम है। एक तो हमेशा के लिए रहोगे कभी वापस नहीं आओगे, और दूसरा सुखी रहोगे दुखी नहीं रहोगे, ठीक है। पूर्ण सुख रूप अवस्था है कि साहब मोक्ष सुख कैसा होता है आप थोड़ा समझाओ, मोक्ष में कैसा सुख मिलता है? आपने हमें बता दिया मोक्ष में जाना चाहिए, आपकी बात सुन करके हम मोक्ष चले गए और कल के दिन वहाँ मज़ा नहीं आया है, तो हमारा तो पूरा मनुष्य भाव यूँ चला जाएगा, हम तो दूसरे काम भी नहीं कर पाए, आपकी वजह से मोक्ष का उपाय करते रहे और मोक्ष में जाके वहाँ मज़ा नहीं आया, तो फिर वो जो क्या करना चाहिए वो मनुष्य भाव था, दूसरे कामों में उपयोग कर सकते थे, वो और चला गया है। एक बार बताओ तो सही मोक्ष में मिलता क्या है, ठीक है। देखो जिसको ऐसे विचार आते हो कि एक बार पता कर ले मोक्ष फिर जाएंगे, उसको तो मोक्ष की प्राप्ति इतनी जल्दी होने वाली है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मोक्ष के लिए कुंदकुंदा आचार्य ने लिखा है अनुपम, क्या लिखा? अनुपम गति है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जाती है। क्या उपमा दे है? उपमा देते हैं कि क्या बोल, चंद्र समान मुख, चंद्र मुख बोलते हैं ना, चंद्र के समान मुख है, निरखत जिन चंद्र वदन, ठीक है। तो वहाँ का ना जिनेंद्र भगवान का वदन माने चेहरा, ठीक है, मुख है। तो वैसे ही उपमा दी जाती है, तो उपमा तो उसकी दी जाती है जिसके समान कोई दूसरा कोई हो, कि ये तो देखो क्या वो ये प्रवचन कैसा कर रहा है, ये तो छोटे दादा जैसा प्रवचन कर रहा है। तो मान लो उसी क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट हो तो उसकी उपमा दी जाए, तो सिद्धों से उत्कृष्ट कौन है? कोई नहीं है, तो क्या उपमा दे, ठीक है। और सिद्धों को जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और संसारी लोग जिसका भोग करते वो कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिय सुख के माध्यम से अतीन्द्रिय सुख का उदाहरण कैसे दें कि साहब ऐसा समझ लो 1000 रसगुल्ला एक साथ खाया हो ऐसा सुख मिलता होगा सिद्ध गति में हैं? अरे भैया वो रसगुल्ला खाने से सुख ही नहीं है, वो तो इंद्रिय सुख है, और उनको जो मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, आंखों से देख के, कानों से सुन के, नाक से सूंघ के और जिह्वा से स्वाद लेके हम कोई सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये संसारी प्राणियों की पराधीनता है। और सिद्ध भगवान के पास शरीर ही नहीं है, इंद्रियाँ नहीं है, तो उनको सुख कहाँ से मिल रहा है? स्वभाव से, अपने आप से। जो सुख अपने आप से मिलता है वो ज़्यादा, वो वही वास्तव में स्वाभाविक है। और इंद्रियां सुख, इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं, उसको हम सुख मान बैठे हैं। तो इंद्रिय सुख का उदाहरण देके अतीन्द्रिय सुख को कैसे समझाएं? दोनों की जाति ही अलग है, है? देखो नमक के माध्यम से शक्कर को कैसे समझाएं? बोलो कि साहब नमक का क्या बोलते हैं,
एक टन नमक ले लो है और एक कण शक्कर ले लो है, अंतर है कि नहीं दोनों में? तो इसलिए दोनों की जाति अलग होने से उनको समझाया नहीं जा सकता, पर वहाँ जो सुख मिलता है वो पूर्ण सुख मिलता है, स्वाभाविक सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है और कभी खत्म नहीं होने वाला सुख मिलता है। ये मोक्ष तत्व की विशेषता है। यह विद जो सरदा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा करता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार सात तत्वों का जो श्रद्धान करता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, सात तत्व तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, उसको वैसे ही श्रद्धान करो तो उसको क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन। और वहाँ अपने अपने को अपना मानना, अपने को अपना जानना और अपने में लीन होना, उसका नाम क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन। ठीक है, चलो अब व्यवहार सम्यक दर्शन के और भी हैं, सात तत्वों के श्रद्धान का नाम भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, और भी कुछ वर्णन है वो भी कह रहे हैं। देखो, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। ठीक है, देव शास्त्र गुरु और धर्म का यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो देव का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। कैसे? कि जिनेन्द्र, देव कौन है? जिनेन्द्र हैं, तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो वे ही यथार्थ देव हैं। ठीक है, वीतरागी होना चाहिए, रागी द्वेषी देव नहीं हो सकते और अल्पज्ञानी देव नहीं हो सकते। जो सर्वज्ञ है वे ही देव हैं और हित का उपदेश देने वाले वे ही सच्चे देव हैं। ठीक है, तो देव और गुरु परिग्रह बिन, जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं उन्हें गुरु कहा गया है। और धर्म दया जुत सारो, और धर्म वही है जिसमें दया का उपदेश दिया गया हो। दया माने एक तरह से अहिंसा का उपदेश दिया गया हो, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, वीतरागी देव हैं, वीतराग मार्ग पर चलने वाले साधु ही गुरु हैं और वीतरागता का पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, और वीतरागता का प्रतिपादन जिसमें किया गया हो उसी का नाम धर्म है। एक वीतरागता की अपेक्षा आप देव शास्त्र गुरु और धर्म सबको घटा सकते। ठीक है, बात समझ में आए ना? वीतरागता और सर्वज्ञता, बस यही लक्षण है। इनका जो प्रतिपादन करें वही धर्म है, वही गुरु है, वही शास्त्र है, वही देव है। इनका जो यथार्थ श्रद्धान करें, इसलिए देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है, उसे भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा गया। ये हु मान समकित को कारण, इसे ही समकित का कारण मानना। किसे? देव शास्त्र गुरु और धर्म को। कि शास्त्र तो आया नहीं इसमें, आपने कहाँ से ले लिया? तो जिनेन्द्र और गुरु दोनों कहा ना, उनमें ही शास्त्र को भी हम सम्मिलित करना। ठीक है, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ही शास्त्र कहते हैं ना, तो जिनेन्द्र कह दिया तो वाणी भी उसमें आ गई। ठीक है, और धर्म कह दिया तो धर्म का आश्रय कौन लेते हैं? गुरु लेते हैं, तो धर्म के माध्यम से भी गुरु और शास्त्र दोनों आ। ठीक है, बात समझ। तो ये मान समकित को कारण, इसे ही सम्यक दर्शन का कारण मानना। कौन से सम्यक दर्शन का? व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है, अष्ट अंग जुत धारो, और ये सम्यक दर्शन को 8 अंगों से युक्त होकर के धारण करो। अभी 8 अंग कौन से हैं इनकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, ये छंद समझ में आ गया आपको? बोलिए एक बार। चलो, प्रश्न किसी को कुछ? देखो, अभी तो 2 छंद और हो पाएगा कल तो, मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 या 3 मुश्किल से। ठीक है, तो उतनी तैयारी करना पढ़ाई के लिए भी है ना। 13 नंबर का जो छंद है वहीं तक आप तैयारी करो, है ना। ठीक है, पूरा तो इतना विषय अपना नहीं हो पाएगा।
देखते हैं कल जितना हो जाएगा हो जाएगा, दो या तीन छंद हो पाएंगे, उससे ज़्यादा तो कैसे हो पाएंगे। जितने छंद होंगे उतने उसी में से प्रश्न आएंगे, पूरे तीन जो तीसरी ढाल है पूरे में से नहीं आएंगे। चल किसी को कोई प्रश्न समझ में आ गया सबको, चलिए जा सकते हैं।